हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपको दिवाली की शुभकामनाएं। कैसी रही आपकी दिवाली? अब आपको आज मैं बताऊंगा फूलगोभी के बारे में। फूलगोभी जो है आप लगाएंगे तो पड़ोसी भी आपसे इम्प्रेस होगा, क्योंकि टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्च, बैंगन, टमाटर के बीज जो है आपको और धनिया के बीज जो है आपको किचन से मिल सकते हैं, लेकिन जो फूलगोभी के बीज हैं वो आपको दुकान से या कृषि भंडार से ही लाना पड़ेगा। तो फूलगोभी के जो फूल गमले में आएगा वो जो है पड़ोसियों को सबको इम्प्रेस करेगा। तो फूल गोभी का बीज लगाएं। अगर आपको बीज नहीं मिलता है तो आप बीज मुझसे मंगाएं, मैं आपको 10 रुपये में वो सीड, 10, 12, 15 सीड आपको भेज दूंगा। वो इसलिए कि 10 रुपये भी इसलिए कि बाई पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा। और फूल गोभी के लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है। फूल गोभी आप छोटे से किसी टब में आप लगा सकते हैं, उसकी क्यारी बना दीजिए, 10, 12, 15 बीज जो है वो लगा दीजिए। 30-40 दिन वो ऐसे ये फूल गोभी आने में लगेगा, तो 30-40 दिन एक टब में ही वो सिमट के रह जाएंगे। तो 30-40 और उसके बाद साड़ने और लगते हैं फूल गोभी आने में। तो उसके बाद जब 40 दिन के बाद आपके फूल गोभी के ऐसे पौधे आ जाएंगे, यहाँ से आप ये उखाड़िए, निकालिए आपको। और इसके लिए आपको जो ये बीज लगाना है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मिट्टी और रेत मिक्स कर दीजिए। अगर गोबर है तो गोबर, जो गाऊ डंक है या वर्मी कंपोस्ट, आप वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके मिट्टी में मिला के आप लगा सकते हैं या गमले में डाल सकते हैं। टेरेस गार्डन है तो आप सीमेंट के बोरे में या चावल जो आप लेके आते हैं उसके बोरे में आप वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप टेरेस गार्डन में लगाते हैं तो आप कोकोपीट डालिए, क्योंकि अगर कोकोपीट नहीं डालेंगे, मिट्टी और रेत डालेंगे तो छत में भार ज़्यादा हो जाएगा। तो कोकोपीट डाल सकते हैं, नहीं तो आप रेत और मिट्टी में कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपने यहाँ से एक पौधा 40 दिन के बाद यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के आपने यहाँ पे जो है ऐसे आप लगा दीजिए। आपका जो है ये 60 दिन के बाद, और ये जो है 60 दिन के बाद आपकी ये फूल गोभी तैयार हो जाएगी। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में, एक पौधे दूसरे बीच पौधे के बीच में 18 इंची का स्पेस होना चाहिए, लेकिन मेरे पास भी उतनी जगह नहीं है कि मैं 18 इंची का स्पेस दे सकूं, इसलिए मैंने 12 इंची का स्पेस दिया है। हालांकि 12 इंची में भी हो जाता है, लेकिन वैसे एक हाथ का स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ये फूल गोभी बढ़ती है तो यहाँ तक आएगी, ये वाली यहाँ तक आएगी, लेकिन अब इतना स्पेस नहीं है। तो आप ऐसे आप लगा दीजिए, 18 इंची या 12 इंची स्पेस होना चाहिए, यहाँ से भी यहाँ का 12 इंची का होना चाहिए। तो ये भी फूल गोभी यहाँ तक बढ़ेगी, ये भी फूल गोभी यहाँ तक बढ़ेगी। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी फूल गोभी अच्छी आएगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको अगर आप मुझे कमेंट करें कि आपको अगला क्या देखना है, प्याज का देखना है या टमाटर का देखना है या कोई और चीज़ का देखना है, मेरे गार्डन में सब लग रखा है, आपको जो देखना है आप मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।